हाय एवरीवन, दिस इज नेहा शर्मा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। और आज मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहती हूँ जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। आई एम श्योर जो भी क्लोथिंग में डील कर रहे हैं उन लोगों ने जरूर ये प्रॉब्लम फेस की होगी, या फिर जो लोग D2C बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। ये है रिटर्न ऑन एंड एक्सचेंजेस को मैनेज करना। ऑलरेडी हम लोग अपनी रिटर्न एंड एक्सचेंज की टर्म्स एंड कंडीशंस बना देते हैं, और मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखी हैं। फिर भी कई बार ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनका सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आता है। तो आज मैं इसी तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि हमारे साथ हुआ। तो हुआ ये कि एक कस्टमर ने एक वेबसाइट से ऑर्डर किया था, उसकी कॉस्ट थी 11,000 रुपीज़। तो 11,000 का ऑर्डर करने के बाद जब वो, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग रेडीमेड अपने पास नहीं रखते हैं, जब ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर के रिक्वेस्ट पर, स्पेशली अगर कस्टमर ने कुछ चीज़ें चेंज करवाई हैं, कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, तो भी हम लोग उन्हें ऑल्टर करके उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें कस्टमाइज करके हम उनको डिलीवर करवाते हैं। और इस तरह की ड्रेसेस काफ़ी हैवी लुक में भी हैवी होती हैं, और थोड़ा सा उनका वेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि कैन कैन वगैरह ये सब चीज़ें लगी होती हैं, तो वॉल्यूम हाई होता है। उन्हें हमें बॉक्स में प्रॉपरली पैक करके भेजना पड़ता है, जिस कारण उनकी शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, जो कि शिपिंग कॉस्ट हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं करते, हम खुद ही बियर करते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 रुपीज़ इनकी शिपिंग कॉस्ट लग जाती है अगर हम इंडिया में डिलीवर कर रहे हैं किसी जगह पर। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करवा के फिर हम उनको डिलीवर कराते हैं। और उसके बाद जब ड्रेस डिलीवर होने के बाद कस्टमर बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है, जबकि हमने एग्जैक्ट वही भेजा हुआ है जो पिक्चर्स में दिख रहा है, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम लोग ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो। तो उसी पैरामीटर्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पर। तो जब डिलीवर होने के बाद मैंने कस्टमर से पूछा कि आप क्यों रिटर्न करना चाहते हो, तो काफ़ी वेग से रीजंस वो लोग देते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये ड्रेस बहुत हैवी है। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई प्रोडक्ट 11,000 रुपीज़ की कॉस्ट का है तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम भी उसका हैवी होएगा। अगर हम उसे उसको बहुत लाइट बनाकर दे देंगे तो फिर वो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये बहुत लाइट है। तो इस तरह की कई बार इश्यूज आ जाते हैं, तो कस्टमर्स को भी ये चीज़ थोड़ा सा सोचना चाहिए, बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि हम अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और जो फोटो में दिख रहा है सेम वही प्रोडक्ट आया है, तो इसमें इसमें मतलब रिटर्न करने का कोई वो ही नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को क्या लगता है इस सिनेरियो के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। और फिर उसके बाद सपोज मैंने रिटर्न ले भी लिया, तो मुझे उसके बाद फिर रिटर्न लेने के लिए भी मुझे 800-900 रुपये उस प्रोडक्ट की रिटर्न पिकअप के लिए भी पे करने पड़ेंगे। तो मतलब मुझे इस पर प्रोडक्ट मुझे 1,800 रुपये का लॉस होगा। और अगर ऐसे ही मैंने 15-20 ऑर्डर्स इस तरह से आ गए हमारे पास, और सिर्फ इसमें कस्टमर का क्या है, बस उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हमारी कितनी मेहनत लगती है, हम एक एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उसको पैक करवाते हैं अच्छे से, फिर उसे डिलीवर कराते हैं, और उसके बाद जब ऐसा रिस्पॉन्स आए कि हम रिटर्न करना चाहते हैं, और रिटर्न का कोई रीज़न भी प्रॉपर नहीं होता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, ऐसा भी वो लोग नहीं बताते हैं, बस वो ये कहते हैं कि मुझे ड्रेस नहीं पसंद आई। तो जो फोटो में दिख रही है, आपको भी थोड़ा सा ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कस्टमर की इजीनेस के लिए बनाई गई है कि आप लोग इजीली घर बैठकर ऑर्डर कर सको, तो उसका ऐसा फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि आप मतलब ऑर्डर कर रहे हो फिर रिटर्न कर रहे हो, इस तरह से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को। तो इसी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और उन्हीं के बेस पे ही रिटर्न एंड एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को हमारी ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। और अगर अगर कुछ भी लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वेलकम ऑल द आइडियाज एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम इन आवर वेबसाइट। एंड प्लीज इसी तरह से शॉपिंग करते रहिए राजकुमारी.co वेबसाइट से, और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।